अर्हत वांग्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पा दंतो संजमेण तवेण ये मा हम परे हिं दम्मन्तो बंधने हिं बहे ही ये आश्रय। आत्मानुशासन बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। शास्त्र में कहा गया है वर श्रेष्ठ यही है कि मैं स्वयं अपनी आत्मा पर दमन यानी अनुशासन कर लूं, संयम के द्वारा तप के द्वारा स्वयं स्वयं का दमन करूं, अनुशासन करूं, यह श्रेष्ठ है, बढ़िया है। अगर मैं स्वयं अपने पर अनुशासन नहीं करूंगा तो कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को पीट कर बांध कर जबरन मेरे पर अनुशासन करना पड़े। जो व्यक्ति स्वानुशासी नहीं होता है फिर कई बार दूसरों को उस पर कड़ाई करनी पड़ती है, नियंत्रण करना पड़ता है, किसी को बांधना पड़ता है, पीटना पड़ता है, अंदर रोड़ना बंद करके रखना पड़ता है, ऐसा हो सकता है। तो बढ़िया यह है अपने पर अपना अनुशासन। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जो अनुव्रत के प्रवर्तक, अनुव्रत को चलाने वाले, अनुव्रत के गीत में भी है कि अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा कि स्वयं के द्वारा स्वयं पर अनुशासन करना। अब प्रश्न है कि स्वयं पर स्वयं का अनुशासन कैसे हो, आत्मानुशासन कैसे हो, आत्मा पर अनुशासन कैसे हो। आत्मा अमूर्त है और अमूर्त होता है वह तत्व आँखों से देखा नहीं जा सकता। कोई कोई मूर्त तत्व भी, मूर्त पदार्थ भी आँखों से दृश्य नहीं होते हैं, तो अमूर्त है वह तो आँख का विषय है ही नहीं। तो फिर इस अमूर्त आत्मा पर अनुशासन कैसे हो सकता है या अपने पर अनुशासन कैसे हो। अपने पर अनुशासन करने के लिए हम खुद की जबान पर अनुशासन कर लें, वाणी पर अनुशासन, वचन वाणी बोलने की शक्ति जिस आदमी के पास होती है वह मान लो कुछ भी बोल सकता है, अंट संट भी बोल सकता है, फालतू भी बोल सकता है, बढ़िया भी बोल सकता है। तो वाणी पर अनुशासन, जबान पर लगाम, जबान की लगाम हाथ में रहे। आदमी जबान से झूठ बात भी बोल सकता है, कटु बात भी बोल सकता है, तो झूठ बोलने से बचने का प्रयास और कटु बोलने से बचने का प्रयास यह सद जाए कि झूठ नहीं बोलना और कटु नहीं बोलना, और तीसरी बात फालतू नहीं बोलना। इतनी यह संयम की व्यवस्था हो जाए कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, कटु नहीं बोलना है और फालतू नहीं बोलना है, ये तीन चीजें सिद्ध हो जाए तो संभवतः काफी बचोनुशासन, वचन पर हमारा अनुशासन कायम हो सकता है, सद सकता है। आदमी कई बार किसी के बारे में झूठी बातें भी, झूठे आरोप कर लगा सकता है, तथ्यात्मकता है नहीं,
झूठा आरोप लगा दिया, पूरा बात को समझा नहीं, पूरा सुना नहीं, पूरी तहकीकात की नहीं, और किसी पर आरोप लगा देना है, वो यथार्थ है, तथ्य से परे है। तो यह अनुशासन से परे की बात हो गई। आदमी यह ध्यान रखे कि झूठा आरोप किसी पर भी मुझे नहीं लगाना है, और सच्चा आरोप हो तो भी किसी को बदनाम करने की भावना से, दुर्भावना से बात को क्यों फैलाएं। तो झूठी बात किसी के बारे में नहीं कहना। न्यायालय में भी जाना पड़े कभी, हो सकता है गृहस्थ लोग हैं, कभी किसी बात को लेकर न्यायालय में खड़ा होना पड़े, जाना पड़े, तो न्यायालय में भी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना, झूठी साक्षी नहीं देना, झूठी गवाही नहीं देना। तो यह एक वचन पर अनुशासन की दृष्टि से अपेक्षित है। न्यायालय में और कहीं पर भी पुलिस में झूठे केस किसी पर लगा देना, झूठी शिकायतें कर देना, इस काम से बचना चाहिए। यह वचन पर अनुशासन का एक अंग है। और दूसरी बात है, कट्टु कड़वी चुभती बात गुस्से में आकर के या कैसे भी कट्टु वचन जहाँ तक हो सके न बोला जाए। कि कड़वा क्यों बोलें, हमारे पास अच्छे शब्द भी हैं, अच्छे शब्द हैं, मधुर शब्द भी हैं, तो कड़े शब्द क्यों बोलें किसी के लिए। तो थोड़ा सा का सा संत आए भी पदारो सा, पदारो पदारो, अच्छा शब्द गया पदारो सा, तो हम जबान से कम कट्टु चुभता शब्द किसी के लिए न बोले। और फिर आगे चले तो फालतू अनावश्यक बातें न करें, क्योंकि हमारी जबान है, इसका फालतू उपयोग क्यों करें। जरूरत है वहां बोले, बाकी फालतू बातें इधर उधर की करके क्यों समय को व्यस्त करें, व्यर्थ करें। तो वचन पर अनुशासन है, तो आत्मा पर अनुशासन का एक अंग हमारे पास आ गया। अब शरीर पर भी अनुशासन, कि हम शरीर को कुछ साधने का प्रयास करें, थोड़ी देर स्थिर रहकर हम बैठ सकते हैं क्या। आगम में कहा गया, हथ संजय पाय संजय वाय संजय संजय इंद्रिये, हाथों का संयम, पैरों का संयम, वाणी का संयम, काया इंद्रियों का संयम, तो शरीर को स्थिर रखने का प्रयास। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग है कायोत्सर्ग, शरीर को प्रतिमा की भांति स्थिर रखने का अभ्यास। तो शरीर का अनुशासन, कुछ देर हम शरीर को स्थिर रख सकें, और शरीर के द्वारा किसी को जानबूझकर तकलीफ न दें, सलक्ष्य तकलीफ न दें। अब एक कुत्ता भी सो रहा है, कोई कंकर लेके उस पर फेंका, तो बेचारा दूर सो रहा था, हमें क्या तकलीफ है, नींद ले रहा है, कोई उस पर भाटा फेंके, कंकर फेंके, तो ये शरीर से हमारी दुष्चेष्टा हो गई। किसी जानवर को भी तकलीफ देना, बिना मतलब तकलीफ देना गलत है। अब चींटियां कीड़े मकोड़े हैं, जानबूझकर उन पर पांव रखें, मतलब के जाके मरेंगे यो, तो मारने की भावना से पैर रख दिया, मच्छर काट गया, गुस्से में आके उसको मारने की चेष्टा की, तो भी मच्छर भी प्राणी है, उसको भी थोड़ा खाने को कुछ चाहिए, उसको तो बेचारे को मारे क्यों, खा काट गया तो काट गया, थोड़ा अपना ध्यान रखो, मच्छरदानी बांध लो, वाह मच्छर को मारे क्यों। तो यूँ शरीर की दुष्चेष्टा न हो, ये शरीर पर अनुशासन हो सकता है। मनोनुशासन, मन पर अनुशासन, एक पुस्तक भी मनोनुशासनम है, पुस्तक मन पर अनुशासन, अच्छी संस्कृत भाषा में सूत्र है, साथ में हिंदी भी,
तो मनोनुशासनम, मन पर हमारा अनुशासन हो, मन में दुर्विचार न आए। कई बार खराब विचार आने लगते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी खराब विचार आ जाते हैं, तो क्या करें, चाहते नहीं खराब विचार आए, पर वो विचार खराब खराब इधर के उधर के आ रहे हैं। उस समय दो काम करने चाहिए, एक तो मन में ही घोषणा करें ये खराब विचार मेरे नहीं माने जाएं, मेरा इनको समर्थन नहीं है, मेरा कोई इनको समर्थन नहीं है, ये मेरे विचार न माने जाएं। फिर थोड़ा पवित्र मंत्र जपना शुरू कर दें, नमो अरहंता नमो सिद्ध, पवित्र मंत्र जप लें, फिर व्यक्ति हमारा उस उन विचारों से अलगाव हो गया है। फिर भी जानबूझकर तो खराब विचार दुश्चिंतन किसी के बारे में न करें, सबके प्रति मंगल भावना सद्भावना, सबके प्रति सद्भावना, सबका भला सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सब प्राणी सुखी हों, सब निरामय रहें, मानसिक भावात्मक सब आमयों से मुक्त रहें और सब कल्याणों को देखें, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें, कोई दुनिया में दुखी न रहे, सब आत्मिक सुखों को प्राप्त करें। तो मंगल भावना, विचार अमंगल न आए, विचार हिंसा परक झूठ परक ऐसे खराब विचार नहीं आए, और विचारों में जितनी आध्यात्मिकता रह सके, तो मन में खराब विचार नहीं आए, मन में चंचलता ज़्यादा न हो, मन में कुछ एकाग्रता बढ़े, इस प्रकार हम मनोनुशासनम मन पर अनुशासन को साध सकते हैं या कुछ विकास कर सकते हैं। तो बच्चोनुशासन हो गया शरीर पर, कायानुशासन यह मनोनुशासन, चौथा इंद्रियानुशासन, इंद्रियों पर अनुशासन रहे, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, कान पर श्रोत्रेंद्रिय कान है कि कान से मैं बुरी बातें सुनने में रस न लूं, बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, बुरा किसी का करो मत, बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा किसी का करना नहीं, करें तो अच्छा बोले, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा काम करें, अच्छा सुने, सब अच्छा अच्छा करें। तो इंद्रियों पर अनुशासन कि कान से मुझे किसी के बारे में बुरी बातें हो रही है, मुझे वहाँ कान नहीं लगाना, उसमें रस नहीं लेना मुझे। हाँ, अच्छी बातें सुने, कोई दुखी आदमी आ गया बेचारा, अपना दुख दीनहीन दुखी है, दुखड़ा बता रहा है, तो किसी का दुखड़ा अगर सुन सकें तो सुन लें। दुखी आदमी का दुख सुनने से भी थोड़ी उसको राहत शांति मिल सकती है, दुखी का दुख सुन लें, उसके बाद कोई मदद हम कर सकें, कोई धार्मिक आध्यात्मिक सहायता कर सकें हम लोग, तो वो करें, न कर सकें तो ठीक है, कम से कम सुन लें भी क्या तकलीफ है तुम्हारी। तो तकलीफ वाले आदमी की तकलीफ को सुन लेना, फिर जो कर सकें वो मदद कर दें, बस यह एक तरह से हमारी कान का बढ़िया उपयोग है। किसी दुखी की दुख कथा हमने सुनी है एक संवेदना के साथ, सहानुभूति के साथ, करुणा भावना के साथ, तो कान का बढ़िया उपयोग करना, कान का गलत उपयोग नहीं करना। धार्मिक संदर्भों में अच्छी वाणियां है, कल्याणी वाणी, आर्ष वाणी, आगम वाणी, उनको सुने कानों में बहुत, आगम वाणी अच्छी बोले तो मुंह मानो धन्य हो रहे, सुने तो कान धन्य हो रहे हैं। आज गुजरात प्रांत में प्रवेश हुआ है, वैसे 7-13 महीनों पहले गुजरात में ही थे, गुजरात से महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र से वापस गुजरात में ही आ गए, गए जहाँ से गए वहीं वापस आ गए हैं। तो मैंने व्यवस्था समिति का वो ध्वज हस्तांतरण हुआ,
मैंने कहा सूरत वालों से बॉम्बे वालों ने लिया था, वापिस सूरत वालों को ही वो सौंप दिया, झंडा ध्वज सौंप दिया, तो जहाँ से लिया वहीं वापिस दे दिया। तो हम जहाँ से आए थे वहीं वापिस महाराष्ट्र में घूमकर प्रवास कर वापिस गुजरात में आ गई। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो चतुर्मास का स्थल है सूरत सन 2003 का, क्योंकि आचार्यों में तो एकमात्र आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ही सूरत में चतुर्मास किया, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कभी भी सूरत में चतुर्मास नहीं किया था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की चतुर्मास भूमि सूरत है। लगभग 20-21 वर्षों के बाद उसी गुरुदेव की चतुर्मास भूमि पर यानी गुजरात की भूमि पर आज आए हैं। आगे सूरत हमारे सामने लक्ष्य है, जाने का गंतव्य है। तो गुजरात में गुरुदेव तुलसी का भी चतुर्मास अहमदाबाद में वैसे किया हुआ है, सूरत में गुरुदेव का चतुर्मास गुरुदेव तुलसी का नहीं हुआ था। तो गुजरात की जनता में भी यह धार्मिक भावना और ये कहीं आगम की वाणी, आगम के श्लोक, तो आगम जैसी एक महत्वपूर्ण वाणी है वो हमारे मुंह में आए, शब्दों में उच्चारण में आए तो भी बढ़िया है, कान से कोई सुने तो भी बढ़िया, कि आगम की वाणी कान में पड़े तो भी मानो स्थूल भाषा में कान धन्य, हमारी आगम की वाणी पड़ी है, मुंह भी हमारा धन्य है, हमारी जिह्वा पर दांतों पर दांतों आदि पर आगम के सुक्त आए हैं, मानो ये अवयव हमारे मुंह के स्थूल भाषा में कह दें वे भी धन्य हो जाते हैं। तो ये अनुशासन की बात कि आत्मानुशासन को हम साधें, उसके लिए वचोनुशासन, कायानुशासन, मनोनुशासन और इंद्रियानुशासन, या यूँ कह दें कायानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन और इंद्रियानुशासन, इन चार अनुशासनों को हम साध लेते हैं तो इसकी निष्पत्ति, इसका परिणाम यह होता है मानो कि आत्मानुशासन हमारा सिद्ध हो जाता है। चतुरंगीण, चतुर अंगों वाला, चार अवयवों वाला यह आत्मानुशासन होता है। तो हम अपने पर अपना अनुशासन रखें, अपने आत्मा पर, अपने इन शरीर वाणी मन और इंद्रियों पर अनुशासन रखने का प्रयास रखें। यह हमारे इस मानव जीवन की एक अच्छी निष्पत्ति, अच्छी साधना हो सकती है कि हमने आत्मानुशासन को पूर्ण अंशों में, नहीं भी हो तो कुछ अंशों में साधने का प्रयास किया और अपनी आत्मा को कुछ साधने में हमने सफलता भी प्राप्त की है। तो हमारे आगम साहित्य में इस प्रकार की अनेक बातें हमें मिलती है जो बड़ी एक साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आगम का यह जो गाथा या श्लोक है, वरम मे अप्पा दंतो संजमेण तवेण ये माहम परे हिम दम्मन्तो बंदने हिम बहे हिय, कि श्रेष्ठ बढ़िया यही है मैं अपने पर अपना दमन करूं, अपनी आत्मा को दांत बनाऊं, और कैसे बनाऊं, संयम और तप के द्वारा। साधन भी कितना बढ़िया साध्य हो गया, आत्म दमन आत्मानुशासन, उसका साधन क्या कि शुद्ध साधन, शुद्ध भी कितना शुद्ध कि संयम और तप, और कोई हिंसा की बात नहीं, झूठ की बात नहीं, संयम और तप के द्वारा मैं अपनी आत्मा को साधूं। आगम साहित्य में कि संजमेणम तवसा अप्पानं भावे माने, संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विहरण करते हैं, ऐसी बात आती है। तो हम अपनी आत्मा पर अनुशासन करें, उसके दो उपाय शास्त्रकार ने बताए, संयम करो, सेल्फ कंट्रोल करो, और तप करो, तपस्या करो, उससे हम आत्मानुशासन को साधने में संभवतः सफल हो सकते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास प्रेक्षा का,
5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं, और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवध्यायानम, नमो लोए सब्बसाहूनम, एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसंति जस्य धम्मे सयामनो च इत्ता भारहं वासं चक्कवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गईमनुत्तरं देव दानव गंधव्वा जख रखस किन्नरा बंभयारिं नमंसंति दुख
करम जे करंति तम।